चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एसी सर्किट वी एन आई इज गिवन बाय, वोल्टेज और करंट का इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये ध्यान रखना है कि करंट को मिली एम्पियर में दिया हुआ है और वोल्टेज तो वोल्ट में ही है। द पावर डिसिपेट, पावर का वैल्यू कितनी होती है, 1/2 वी नॉट आई नॉट कॉस फाई। अगर यही वैल्यू वी आर एम एस में होती है तो क्या लिखते, वी नॉट बाई रूट टू इंटू वी नॉट आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाई लिखते, या इसको वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये पावर का ये इक्वेशन होता है हमारा, ठीक है, जनरली पावर का। तो ये दोनों इक्वेशन पावर के हैं, ठीक है। अब आपका पीक वैल्यू दिया हुआ है तो ये यूज करेंगे, आरएमएस दिया तो ये यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में पीक वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो 100 100, बस इसको ये ध्यान रखना है वी नॉट इज इक्वल टू 100 वोल्ट है और आई नॉट की वैल्यू 100 मिली वोल्ट मिली एम्पियर है, तो इसको 10^-3 एम्पियर में कन्वर्ट हमने कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर, 1/2 100 इंटू 100 इंटू 10^-3 इंटू कॉस, अच्छा फेज डिफरेंस कितने का इन दोनों के बीच का, देखो साइन के अंदर 100t है, 100t प्लस पाई बाई 3, यानी फेज डिफरेंस कितने का हो गया, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का 1/2 होगा, 1/2 इंटू ये 10^4 हो जाएगा +4 और ये 10^-3 है तो -3 इंटू 1/2, ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू 10^+1 यानी 10/4 कितना होगा, 2.5 होगा, ठीक है, वॉट SI में रखा है तो ऑब्वियस बात है पावर का यूनिट भी SI में होगा, वॉट 2.5, सी वाला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो